अथ त्रयोदशो अध्याय। ब्रह्मा की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ अपने पुत्र हर्यश्वों तथा सबलाश्वों को निवृत्ति मार्ग में भेजने के कारण दक्ष का नारद को शाप देना। नारद उवाच। पामा कर ससानी निरे निरे पापा मा मगर निशासा ब्रह्मान्विधि महाप्राज्ञ वदनो वदताम्बर दक्षे गृहं गते प्रीत्य किमभूत् तदनन्तरम्। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विदे, हे महाप्राज्ञ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, दक्ष प्रजापति के घर चले जाने के बाद फिर क्या हुआ, यह सब वृत्तांत प्रीति पूर्वक कहिए। ब्रह्मा उवाच। दक्ष प्रजापतिर्गत्वा स्वश्रामं हृष्ट मानसा सर्गं च कर बहुधा मानसमोचाज्ञयामृंहितमालोक्य प्रजा सर्गम प्रजापति दक्षो निवेदयामास प्रमाणे जनकाय मे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष प्रजापति ने अपने आश्रम में जाकर प्रसन्नचित हो मेरी आज्ञा से बहुत सी मानसिक सृष्टि की, किंतु उस प्रजा सृष्टि को बढ़ता हुआ न देखकर दक्ष अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहने लगे। दक्ष उवाच। ब्रह्मास्तात प्रजानाथ वर्धन्ते न प्रजा प्रभो मया वीरचितः सर्वस्तवत्यो हि स्थितः खलु। दक्ष बोले, हे तात, हे ब्राह्मण, हे प्रजानाथ, मेरे द्वारा बनाई गई प्रजाएं बढ़ नहीं रही हैं। मैंने भली प्रकार से विचार कर देख लिया है कि मैंने जितनी भी सृष्टि की है वह उतनी ही है। किं करोमि प्रजानाथ वर्धेयोः कथमात्मना तदुपायं समचक्ष्व प्रजा कुर्यन् संशयः। हे प्रजानाथ, मैं क्या करूं, यह मेरी प्रजा किस प्रकार बढ़ेगी, आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे प्रजाओं के सृष्टि क्रम का विस्तार करूं। ब्रह्मा उवाच। दक्ष प्रजापते तात तृणु मे परमं वचः तत्कुरुष्व सुर श्रेष्ठ शिवस्ते शङ्कर्षति। ब्रह्मा जी बोले, हे दक्ष, हे प्रजापते, हे तात, मेरी उत्तम बात सुनिए और उसे कीजिए। हे सुरश्रेष्ठ, भगवान शंकर आपका कल्याण करेंगे। याच पंच जनस्यांग सुतरम्या प्रजापते असिक्नीनाम पत्नीत्वे प्रजेश प्रतिग्रह्यताम्। हे प्रजेश, पंच जन प्रजापति की जो असिक्नी नामक सुंदर पुत्री है उसे आप पति रूप से ग्रहण कीजिए। वामव्यवाय धर्मस्त्वं प्रजा सर्गमिमं पुनः तदुद्धायं च कामिन्यं पुरुषो भवशिष्यसि। अभी तक आप पत्नी रहित होकर धर्माचरण करते रहे हैं, किंतु इस प्रकार की पत्नी में मैथुन धर्म से प्रवृत्त होकर जब आप सृष्टि करेंगे तब प्रजा बढ़ेगी। ब्रह्मा उवाच। ततः समुत्पादयेतं प्रजा मैथुन धर्मतः उपाये में विराणस्य निदेशान में सुतं ततः। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब दक्ष प्रजापति ने मैथुन धर्म से प्रजा सृष्टि करने के लिए मेरी आज्ञा से वीरन की कन्या के साथ विवाह किया। अथ तस्यां स्वपत्न्यां च वीरिण्यां स प्रजापतिः हर्यश्वसंज्ञनायुतं दक्ष पुत्रान जीजनत्। प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी उस वीरिणी के गर्भ से हर्यश्व नामक 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। अप्रीत धर्मशीलास्ते सर्व आसन सुता मुने पितृ भक्ति रता नित्यं वेद मार्ग परायणः। हे मुने, वे सभी पुत्र समान धर्माचरण करने वाले, पिता की भक्ति में तत्पर रहने वाले और सदा वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले थे। पितृ प्रोक्त प्रजा सर्ग करणार्थं ययुर्दिशं पितृ चिंत पुसे तात सर्वे दाक्षिणः सुतः।
हे तात, वे सभी दक्ष पुत्र अपने पिता की आज्ञा पाकर सृष्टि के उद्देश्य तपस्या हेतु पश्चिम दिशा की ओर चले गए। तत्र नारायण सरस्तीर्थं परम पावनम संगो यत्र संजातो दिव्य सिंधु समुद्रयः। वहाँ पर परम पवित्र नारायण सर नामक तीर्थ है, जहाँ दिव्य सिंधु नदी तथा समुद्र का संगम हुआ है। तदुपस्पर्शना देव उत्पन्नमत यो भवन धर्मे पारमहंसे च विनिर्धूतम लाशयः। उस तीर्थ के स्पर्श मात्र से उनकी बुद्धि अत्यंत निर्मल हो गई और पाप के दूर होते ही वे सभी परमहंस धर्म में स्थित हो गए। प्रजा विवृधये देव तेपिरे तत्र सत्तमः कक्षायणाद्रात्मा पित्रादेश सुयंत्रितः। तत्पश्चात दृढ़ चित्त वाले तथा श्रेष्ठ वेदक्ष पुत्र पिता की आज्ञा से बंधे होने के कारण प्रजा वृद्धि के लिए तप करने लगे। हे नारद, शिष्ट संवर्धन हेतु उन्हें घोर तप करते हुए जानकर और विष्णु का मनोगत अभिप्राय समझकर आप उनके पास गए और आदर पूर्वक आपने उनसे कहा, हे दक्ष पुत्र हर्यश्वो, तुम लोग पृथ्वी का विस्तार न जानकर सृष्टि कर्म में किस प्रकार प्रवृत्त हुए हो। ब्रह्मा उवाच, तम निशम्यत हर्यश्वास्ते तदुक्तम तन्द्रितः औत्पत्तिकधियः सर्वे स्वयं वेमा मृषुर्भिषम्। ब्रह्मा जी बोले, हे हर्षवगण, आपकी कही बात सुनकर सृष्टि के विषय में सावधान होकर मन में बहुत विचार करने लगे। सुशात्र जन का देश युन वेद निवर्तकम सकथम गुण विश्रम भी कर्तुम सर्गम उपक्रमे। जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवृत्ति परक वचनों को नहीं जानता हुआ मात्र गुणों पर ही विश्वास रखने वाली सृष्टि का उपक्रम किस प्रकार कर सकता है। इति निश्चित ते पुत्र सुदीयश्चक चेतसः प्रणम्य तं परिक्रम्य दुर्गमामनिवर्तकम्। वे परम बुद्धिमान दक्ष पुत्र एकाग्र बुद्धि से ऐसा विचार कर देवर्षि नारद की परिक्रमा करके एवं उन्हें प्रणाम कर निवृत्ति मार्ग में परायण हो गए। नारद त्वं मनः शंभुर् लोकानन्य चरमुने निर्विकारो महेशान मनोवृत्ति करस्तदा। हे नारद, हे मुने, आप शिव के मन हैं और लोक में पर्यटन करते रहते हैं तथा निर्विकार रहकर शिव की चित्र वृत्ति के अनुसार रहते हैं। काले गते बहुतरेम पुत्र प्रजापति नाशम निशम पुत्राण नारदात्वन्नतप्यत। बहुत काल बीतने पर मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति नारद जी के द्वारा अपने पुत्रों के नाश को सुनकर बहुत संतप्त हुए। मुहुर मुहुर वाचेति सुप्रजस्तम शुचं पदम सुशोच बहुशो दक्ष शिव माया विमोहितम्। उस समय आपने शोक करते हुए दक्ष से बार बार कहा कि आप अच्छी संतान वाले थे जो कि आपके पुत्र श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करते हुए मुक्त हो गए, किंतु वे दक्ष की माया से मोहित हो बार बार शोक करते रहे। अहमाग्यति सुप्रीत्य सान्त्वयं दक्षमात्मजम् शांति भावं प्रदर्शयेव देवं प्रबल प्रीत्युत। तदनंतर दक्ष के पास आकर मैंने उन्हें शांति भाव का उद्देश देकर सांत्वना देते हुए कहा, शोक मत करो, देव बड़ा प्रबल होता है। अथ दक्ष पंचजन्य मया स परिसांत्वितः सबलाश्वाभिधान पुत्रं सहस्रं चापि जीजनत। तब दक्ष प्रजापति ने मेरे द्वारा धीरज बंधाए जाने पर पुनः पंचजन की कन्या असिकनी के गर्भ से सबलाश्व नामक हजार पुत्रों को उत्पन्न किया। दृढ़ व्रत वाले वे सबलाश्व भी पिता की आज्ञा से सृष्टि संवर्धन हेतु वहाँ गए जहाँ उनसे पूर्व उनके भाई गए थे और सिद्ध हो गए। वे भी उस तीर्थ के स्पर्श मात्र से सर्वथा निष्पाप तथा शुद्ध अंतःकरण वाले हो गए और उत्तम व्रत में परायण होकर ब्रह्म का जप करते हुए कठिन तप करने लगे।
प्रजा सर्गुदतास्तान् व्यत्वागत प्रति नारद पूर्ववच्चा गतो वाक्यं संस्मरन्नश्वरीं गतिम्। हे नारद, आपने सृष्टि करने के लिए इन्हें तपस्या में उद्यत देखकर उनके पास जाकर ईश्वर की गति का स्मरण करते हुए वही उद्देश्य दिया जो पूर्व में उनके भाइयों को दिया था। रात्रि पंथन मादेश्य तम मुने मुख दर्शन आयाशोर्ध्वा गतिम तेपि रात्रि मार्गम यही सुता। हे मुने, आपका दर्शन निष्फल नहीं होता, इसलिए उनको भी पूर्व के भाइयों के मार्ग का उपदेश दिया जिससे वे भी अपने भाइयों का मार्ग का अनुसरण करते हुए उसी मार्ग पर चले गए। उत्पातान बहुशो पश्यत देवस प्रजापति विस्मितो भुत्समे पुत्र दक्षो मानस दुखित। उसी समय दक्ष प्रजापति को अनेक प्रकार से उत्पात दिखाई पड़ने लगा। वे अपने पुत्र को आया न देखकर आश्चर्यचकित होकर मन में दुखी हो गए। पूर्वत्वकृतं दक्ष सुश्रावचकृतो भृशं पुत्रनाशं शुशुचाति पुत्र शोक विमोचितः। उन्होंने आपके द्वारा प्रथम पुत्रों के नाश के समान ही इन पुत्रों के भी नाश का सब समाचार सुना तो वे आश्चर्य में भरकर पुत्र शोक से मूर्छित हो अत्यंत संतप्त हो उठे। सुक्रोध तो यम दक्षो सब दुष्टो यामिति चाब्रवी आगतस्तत्र देवात्म वे दक्ष आप पर कुपित हो गए और कहने लगे कि यह नारद दुष्ट है। उसी समय दैवयोग से उनके पुत्रों पर अनुग्रह करने वाले आप भी दक्ष के पास आ गए। उस समय वे प्रजापति दक्ष क्रोध में भरकर अपने होठों को फड़फड़ाते हुए आपके पास आए और आपको धिक्कारते हुए निंदा पूर्वक कहने लगे। दक्ष उवाच, किं कृतं ते तम श्रेष्ठ साधूनां साधुलिङ्गतः विचोर्मार्गोर्भकानां दर्शितो साधुकारिणः। दक्ष बोले, हे अधमों में श्रेष्ठ, तुमने साधु का रूप धारण कर मेरे सत्पुत्रों को यह कैसा उपदेश किया? तुमने मेरे इन पुत्रों को इस प्रकार भिक्षु मार्ग का उपदेश क्यों किया जो उनके लिए कल्याणकारी नहीं था? तुम्हारे जैसे निर्दयी शठ ने देव ऋषि तथा पितृ ऋण से मुक्त हुए बिना ही मेरे पुत्रों को ऐसा उपदेश कर उनके इस लोक तथा परलोक के कल्याण को नष्ट कर दिया, क्योंकि जो बिना तीनों ऋणों से मुक्त हुए हों माता पिता को छोड़कर मोक्ष की इच्छा करता हुआ निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करता है वह नरकगामी होता है। तुम निर्दयी अत्यंत निर्लज हो, बालकों को बहकाने वाले तथा यश को नष्ट करने वाले हो। हे मूर्ख, तुम हरि के पार्षदों के बीच में व्यर्थ ही विचरण करते हो। मुहुर मुहुर अद्रं त्वम चरो मेधमाधम विभवे प्रमतस्ते पदम लोकेषु नास्थिरम। हे अधमाधम, तुमने बार बार मेरा अहित किया है, इसलिए लोक में भ्रमण करते हुए तुम्हारा पैर स्थिर न रहे। शापेति चुचा दक्ष स्वाम तदा साधु सम्मतं भुवोधनेश्वरेच्छां स शिव माया विमोहितः। शापं प्रत्यग्रहीच्छात्वं समुने निर्विकारधि एष एव ब्रह्म साधु सहते सोऽपि च स्वयं। इस प्रकार शिव जी की माया से मोहित हुए दक्ष ने ईश्वर की इच्छा को नहीं समझा और सज्जनों के मान ने आपको शोक संतप्त होकर शाप दे दिया। और हे मुने, निर्मल बुद्धि वाले, आपने भी दक्ष प्रजापति के इस शाप को ग्रहण कर लिया। हे ब्रह्म साधो, ऐसा साधु स्वयं इस प्रकार के अपकार को सहन कर लेता है।
इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे दक्ष श्रेष्ठौ नारद शापो नाम त्रयोदशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में दक्ष के सृष्टि उपाख्यान में नारद शाप वर्णन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।